अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं जेडी और आप देख रहे हैं जेडी एंटरटेनमेंट। गाइस, आज हम लोग हैं अंजुमन हिमायतुल इस्लाम भाई मियां ईसान उर्दू हाई स्कूल एंड डॉक्टर ए देशमुख जूनियर कॉलेज महाड़ के अंदर। यहाँ पे 10वीं और 12वीं के लिए सेंड ऑफ का प्रोग्राम आज है, तो आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے, مہمان یہاں آئے ہیں, तकदीर हमारी है। अभी तो उनका तस्करा हुआ भी नहीं, अभी तो उनका तस्करा हुआ भी नहीं और अभी से बज्म में खुशबू का रक्स जारी है। आज के इस पुरौनक और बाबरकत मजलिस के सदर आली जनाब मोहम्मद अली एहसानी साहब, मेहमानान खुसूसी, दीगर असातिज़ा, दीगर मेहमानान असातिज़ा इकराम और सरपरस्त हजरात और आज के इस रोहे रवां जिसके लिए इस मजलिस का इनेखाद किया गया, 10वीं और 12वीं जमात के तलबा व तालिबात,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन हिमायतुल इस्लाम ट्रस्ट महाड़ के सदर जी वकार, हमारे महाड़ी नहीं बल्कि कोकन की एक नामवर तरीन शख्सियत अली जनाब मोहम्मद अली अब्दुल रहमान इंसानी साहब, इनकी जेर सरपरस्ती आज मुनाकिद होने वाले इस अजीमुशान प्रोग्राम के लिए तशरीफ फरमा हमारे मेहमानान का इस्तकबाल हुआ चाहता है। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस स्टेज पर जो शख्सियात यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, मैं समझता हूं कि आज आसमान जमीन पर उतर आया है। हमारे आज के मेहमानों में अंजुमन हिमायतुल इस्लाम हॉस्टल के वो स्टूडेंट्स जो अंबेडकर कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने जिंदगी में वो मकाम हासिल किया है कि जिसकी बदौलत सारा कोकन ही नहीं बल्कि खलीज में भी उनका नाम है, ऐसी शख्सियत यहाँ पे तशरीफ फरमा है। उन्हीं के साथ तारुफ के इस मरहले में सबसे पहले मैं जिनका नाम लेना चाहूंगा, मेरे अजीज साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से जाने जाते हैं और उनका काम उनकी पहचान बन जाता है। ये जश्न-ए-बसर से
रह जाना, मुबारक मुबारक है महमा खाना। फजाओं में बुलबुल ने शेरा तराना, चमन में खुशी का नहीं है ठिकाना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड चीफ गेस्ट एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मायसेल्फ देशमुख खदीजा शहबाज, आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स। Today we all are gathered here to celebrate the farewell party of our college. I come before you today with lots of emotions. This is the last time I am addressing you all in this fashion. Furthermore, I have the lots of memories of this place shall be remains with me. I am sure that you will also carry these memories until the end of your life. Our college gave the precious memories which are truly priceless. मोहतरम सदर जलसा, इज्जत मौ प्रिंसिपल, मेहमानान खुसूसी, रुखसत होने वाले मेरे साथी और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये पुरबहार और बावकार महफिल हमें अलविदा कहने के लिए सजाई गई है, जो हम इस कॉलेज से जुदा हो रहे और अपना रक्त सफर बांधने के लिए तैयार बैठे है। इस वक्त मैं तुलबाए साल 2023 और 24 की जानिब से अलविदा पेश करने के लिए खड़ी हूँ। मैं रुखसत होने वाले साथी और हमें रुखसत करने वाले साथियों के खिदमत में चंद कल्पी तासुरात और बीते दिनों के कुछ एहसास और जज्बात को दोहराना चाहूंगी। लेकिन मेरा ये हाल हुस्न मिलाल और मुसरत और शादमानी से मिले जज्बात मेरे जहन व दिमाग पर तारी है। मुसरत और शादमानी इसके लिए कि अब हम सब साथी आज से जुदा होकर अपने इल्म और फिक्र के सफर को मजीद आगे बढ़ाएंगे और कारवाने फिक्र अपने मुस्तकबिल को बनाने और संवारने के लिए आपको अलविदा कह देंगे और जहाँ जाएंगे अपने शोबेकार असातिज़ा इकराम और कॉलेज की नेक नामी का सबक बनेंगे। Someone has rightly said the two hardest things to say in life are hello for the first time and goodbye for the last. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and very good morning to good afternoon to everyone present over here. Respected principal, teachers and all my dear friends. I am Dania Dusse from 12 Science and it's my pleasure to speak on this momentous occasion on the behalf of my class. I am very much speechless right now because it is practically the last day of being a student. This last time I will be addressing you all. Furthermore, I have a lot of memories of this place which shall remain with me till the end of my life. This beautiful college will always be an important part and a parcel of our life. Our college, Anjuma Himatul Islam, gave us precious memories that are truly priceless. When I first walked into this college premises was on 28 July, which is still fresh in my mind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahwaas sutla manun, sobat sutat nahi. Sahwaas sutla manun, sobat sutat nahi. Niste nirob dilani nate tutat nahi. Mananiya vasit, adaniya shikshuk, ani iti upasit maja mitrani maitrenu. आज ये प्रसंगी माझे मनोगत तुमचे समोर सादर करण्यासाठी उभी आहे। आज एका डोळ्यात हसू तर दुसऱ्या डोळ्यात अश्रू आहे। आज आपल्या या शाळेतला शैक्षणिक प्रवास आपण इथे पूर्ण करीत आहात। शिक्षणाचा हा टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण करायचा आपल्याला नक्कीच आनंद आहे, परंतु त्याच वेळी हे शाळा, हे मित्र आणि मैत्रिणी, हे शिक्षक यांचे निरोप घ्यावा लागत आहे, याचे दुःख देखील आम्हाला आहे। आज व्यासपीठावरून तुमच्या समोर उभी राहून बोलत आहे असे बोलायला मी याच शाळेत शिकले। कुछ यादों को करके दफन सीने में हम, कुछ यादों को करके दफन सीने में हम आगे बढ़ चले, खत्म हुआ स्कूल का सफर अब हम अलविदा कह चले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और वेरी गुड आफ्टरनून द रिस्पेक्टेड गेस्ट प्रिंसिपल, माय टीचर्स, माय जूनियर्स एंड माय डियर क्लासमेट्स। फाइनली द डे हैज कम वेर वी ऑल द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास नीड टू लीव आवर चाइल्डहुड बिहाइंड अ स्टेप टुवर्ड क्रिएट आवर ओन पाथ इन लाइफ एंड आई थैंक माय स्कूल फॉर मेकिंग अस कैपेबल एनर्जी टू अचीव आवर गोल्स एंड ड्रीम्स। अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा साथियों, जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं, अब मुकम्मल ये सफरी रवा साथियों। अलविदा अलविदा
अलविदा साथियों, अलविदा 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 साथियों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम बज़्म को अपनी छोड़ चले, दिल अफ़सुरदा सद अफ़सुरदा। हम बज़्म को अपनी छोड़ चले, कल तक जिस बाग की टहनी थे, बागीचा हो अपना छोड़ चले। Someone has rightly said, the two hardest thing to do in life are hello for the first time and goodbye for the last. Today is a very emotional day as well as the day of joy. We all have gathered here to bid farewell to our students leaving the school after completing their 10th and 12th in the school. I welcome you all to this colorful ceremony. My dear 10th and 12th class students, despite some hard tasks, sadness and grief that you encountered in the course of your study in the college, at the end of it all, you completed this part of your journey with great achievement and beautiful memories. Being tough with you at times doesn't mean that we hate you, but to prepare you for your future challenges ahead and nurture you to build a strong foundation for your future life. Izzatdar Sadr-e-Ijlas, Qabil-e-Zikr Mehmanan, Mauziz Araqeen-e-Anjuman, मेरे साथी असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ी तुलबा व तालिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप शरीकाने बज़्म की आमद से एक जलसा जो पुरनूर हो गया है, गोया यू आए हो कि बहारों का सफर लगते हो, यू आए हो कि बहारों का सफर लगते हो, जाने बहार हो तुम बादे सबा लगते हो। इस रौनक फरोशी से आप सामईन बखूबी वाकिफ हो चुके हैं कि आज की तकरीब जमात दसवीं और बारहवीं के तुलबा व तालिबात को अलविदा कहकर दुआइया कलमा देने के लिए मुनक्किद की गई है, क्योंकि जब से दुनिया बनी अजीब रस्म जारी है, जब से दुनिया बनी अजीब रस्म जारी है, जाने वालों को अलविदा कहना ये लफ्ज बड़ा भारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज के इस पुर रौनक तकरीब के सदर मोहतरम आली वकार मोहम्मद अली इंसानी साहब, मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट इसाल साहब और बाकी सारे मौजूद मेहमान, अराकीन अंजुमन, मेरे साथी असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारी स्कूल अंजुमन हिमायतुल इस्लाम भाई मियां इसाने उर्दू हाई स्कूल एंड डॉक्टर ए देशमुख जूनियर कॉलेज ये तरक्की की राह पर गामजन है। जैसे अभी सलमान साहब ने कहा कि हर सतह पर ये स्कूल व जूनियर कॉलेज अपना लोहा मनवा रहा है, वैसे तो एनुअल रिपोर्ट तवील थी, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमने अभी उसको शॉर्ट किया है। शॉर्ट में जो है मैं अपने स्कूल की व जूनियर कॉलेज की एनुअल रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले HSC का रिजल्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। सन 2022-23 में जो बैच HSC को बैठी थी, हम जानते हैं कि दो ढाई साल इससे पहले कोरोना था। कोरोना की वजह से
स्कूल और कॉलेज बंद थे, जिसकी वजह से इस बैच ने एसएससी का इम्तिहान बोर्ड में नहीं दिया था। स्कूल लेवल पर उनका रिजल्ट, नौवीं का रिजल्ट देखकर ही उनका एसएससी का रिजल्ट लगाया था। वो बच्चे जो है उन्होंने पहली मर्तबा एचएससी में बोर्ड का इम्तिहान दिया, जो उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि 3 साल कॉलेज बंद था। पहले ही 2022 में कॉलेज शुरू हुआ, एक ही साल में हमारे असातिज़ा ने उन पर ऐसी मेहनत की कि एचएससी के रिजल्ट में हमारे आर्ट्स का रिजल्ट 100% रहा, 100%। कॉमर्स का रिजल्ट हमारा 93% रहा और साइंस का रिजल्ट, साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट हमारा 97% रहा। मैं हमारे असातिज़ा इकराम की मेहनत को सराहता हूं और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी के साथ साथ एसएससी का रिजल्ट भी हमारा 99% रहा, सिर्फ एक बच्चा फेल हो गया। 99% एसएससी के रिजल्ट रहा, इसके पीछे हमारे असातिज़ा की काफी मेहनत है और हमारी जो इंतजामिया कमेटी है ये वक्तन फवक्तन हमारी हौसला अफजाई करती रहती है। अली जाने साहब, हमारे आज की इस मजलिस के मुख्य अतिथि जनाब किसान सर, दूसरे हमारे अतिथि हैं जनाब रावेरकर सर, डाइस पर बैठे हुए तमाम दिगर एजाजी मेहमान और अराकीन अंजुमन। दरअसल आज की तकरीब जो है 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए दुआया तकरीब के तौर पर मुनक्किद की गई है, तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं सिर्फ आपको अपने दुआया कलमात से ही नवाजूंगा। अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में तमाम बच्चों को नुमाया कामयाबी दे और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआगू हूँ कि आपके जो भी गोल है, आपकी जो भी मंजिल है, वहां तक अल्लाह ताला आपको पहुंचाए, ऐसी मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। सबसे पहले मैं उस मालिक कौम मका का लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि जिसने हमें मौका दिया और हमें सोचने समझने की सहादत से फरमाई। मैं शुक्रगुजार हूं कि हम मुझे बुलाया गया। यकीन जानिए ये इदारा पहले कभी हॉस्टल हुआ करता था, इत्तेफाक है कि हॉस्टल इत्तेफाक है कि आज ही के दिन 17 फरवरी 1974 इसी दिन इसी जगह पर कभी हमें सेंड ऑफ मिला था और आज आपको मिल रहा है उसी जगह। तारीख हम आपको दोहराती है, हम उसी जगह आए जहां से निकले थे। खैर अब यह आज वक्त कम है, उसके ये हमारे जो बच्चे विदा हुए हैं उनको यही कहूँगा कि आप स्कूल से जो हो गए विदा हो गए, इस क्लास से विदा हो गए, लेकिन अपने अभी आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी, उसके बाद वालिदैन की जिम्मेदारी, मिल्लत की जिम्मेदारी और मुल्क की जिम्मेदारी। इसका बड़ा हाथ है यहाँ तक लाने में उस्तादों का बड़ा दखल होता है। एक मिसाल में पेश करूंगा इसके लिए। हमारे हिंदुस्तान के 7वें सदर जनाब शंकरदयाल शर्मा साहब 1992 to 1997 ये मस्कत के दौरे पर गए थे 1993 में, तो उस वक्त वहाँ के हुकूमत थे सईद अल-क़ाबूस, उनके दौर पर गए थे।
जब वो वहां पहुंचे तो सुल्तान काबूस खुद गए एयरक्राफ्ट में, उनको उठाया, उनको ले लिया, उनकी छड़ी उनको दे दी और उनको ले गया, वो आए। अब प्रोटोकॉल इस किस्म का नहीं था, सब हैरान है, उनको फिर लेके आए नीचे, दोनों मुल्कों का नेशनल एंथम हो गया, गाड़ा फॉरवर्ड हो गया, 21 तोपे की सवारी हो गई, गाड़ी आई, गाड़ी में आने के बाद ड्राइवर को कहा कि आप पीछे जाओ, वो गए, उनको बिठाए, ये खुद बैठे और उनको उनकी मंजिल पर लेके गए। पेपर वाले ने पूछा कि क्या बात है कि जो प्रोटोकॉल था उससे हटके आपने किए, तो उन्होंने कहा वो सुल्तान 40 साल तक मस्कत के सदर रहमान के हुक्मरान थे, उन्होंने कहा कि ये पहले हमारे मेहमान हैं, इसके बाद ये हिंदुस्तान के सदर हैं, और इसके अलावा सबसे बढ़कर ये मेरे टीचर हैं। अंजुमन हिमायतुल्लाह उर्दू स्कूल एंड जूनियर कॉलेज प्रेसिडेंट ऑनरेबल इसाने सर, माय फ्रेंड एडवोकेट कादिर देशमुख सर, ऑल द ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन द डायस, ऑल द टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ फेयरवेल फंक्शन फॉर द 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड इकट्ठा हुए हैं। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मराठी में बात करूं या अंग्रेजी में बात करूं या हिंदी में बात करूं, कारण का है मराठी बोलते हैं, ये उर्दू और फारसी में सुनते सुनते मुझे सबसे छोटा समझने लगा हूं, इतनी मिठास वो उर्दू और फारसी में है। मैं आपला जास्त वेळ घेणार नाही, पहिल्यांदा मी आभार इसाने साहेबांचा आणि देशमुख साहेबांच्या ठिकाणी व्यक्त करेल, कारण त्यांनी मला आठवणीने अगदी गेस्ट ऑफ ऑनर या ठिकाणी बोलवलं। जमादार सरांनी इंट्रोडक्शन देताना सांगितलं आणि ते वाक्य मला खूप आवडलं, हिंदू हो या मुस्लिम सबसे बड़ी जो बात है वो इंसान होना चाहिए। और आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज यहां इंसानियत देख रहा हूं। ये बच्चियां जब यहां से बोलती गई बातें कर रही थी, वो एक लड़का अलविदा बोलते जो गाना गा रहा था वो मराठी में एक सुंदर भाषण करके लड़की गई, इसमें क्या टैलेंट भरा हुआ है। और ये जो टैलेंट है, ये टैलेंट हमारे देश के तरक्की के लिए आवश्यक है। आज हम दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची जगह पर जाना चाहते हैं, और वो ऊंची जगह पर जाने के लिए जो यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में हमारे जिले में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको GER बोलते हैं वो बहुत कम है, वो बहुत कम था, मगर अभी एक 10-20 साल पहले जैसे चारों लोगों ने यहां उनके बचपन को यहां उजाला दिया। ये आज का जो फंक्शन है इसको फॉरवर्ड फंक्शन कहते हैं, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी विथ यू। आपके बहुत से स्पीकर स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनके तकारीर में उसमें इंग्लिश है, उर्दू है, मराठी है, इंग्लिश है, बहुत ही अच्छे अपने ख्याल पेश किए। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, वो इजाजत नहीं देता कि मैं उसके बीते में जाऊं, आपको बताता चलूं, मैं भी तालीमी इदारों से जुड़ा हुआ हूं, और मैं जिधर भी जाता हूं मेरा मैसेज वही होता है जो आपको मैसेज देने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद हजरात, आज मेहमान खुसूसी सारे मेंबर, मैनेजमेंट, टीचर असातिज़ा, स्टूडेंट्स, मुझे बड़ी खुशी
और फख्र इस बात का है कि मैं इस हॉस्टल में 4 साल निकाला हूँ और अभी तक अभी मैं तकरीबन ऐसा समझे कि 45-46 ईयर्स के बाद यहाँ पे आया हूँ। वैसे मैं आता हूँ हमेशा, लेकिन इस फंक्शन के लिए आया हूँ। अभी मैं जब देखा, मुझे जब निशाने साहब ने फोन किए कि अमानुल्लाह भाई हम आपका नाम इसके लिए डाल रहे हैं, मैं आपका इसमें मैंने कहा जरूर लिख ले। फिर रियाज भाई भी हमारे रियाज भाई, मैं उसके बाद नईम परकार, दिलावर बर्डे, ये हम साथी हैं। हमने काफ़ी मशक्कत से और मेहनत से इंशाल्लाह यहाँ पे ये मैं स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहा हूँ आप लोगों की तरह। और ये जो आपको अभी आप कहते हैं कि हमें ये सेंड ऑफ मिला, ये सेंड ऑफ नहीं है, आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक हमारी तरफ से आपके लिए एक ये बता रहे हैं कि इस तरह से तुम आगे चलते रहो। कमाना तो है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों से एक उम्मीद रखता हूँ कि माशाल्लाह लड़कियाँ भी बहुत, जैसे अभी सर ने कहे कि लड़कियों की तादाद ज्यादा है, लड़कों की तादाद कम है, वहाँ से भर के उधर भी लड़कियाँ बैठी हुई है। तो मैं एक लड़कों से गुजारिश करूँगा कि आप भी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेके लड़कों लड़कियों के साथ कॉम्पिटिशन करो और अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपने वालिदैन का, अपने टीचरों का नाम बुलंद करें। इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल बुलंद रहेगा। और मेहनत करना है, आजकल इंजीनियर और डॉक्टर तो बनते ही रहते हैं, लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने कहे टोकरी साहब ने कि हमें IPS ऑफिसर बनाना है, कलेक्टर बनना है, मामलेदार बनना है, तहसीलदार बनना है। अब बताओ हमारे कम्युनिटी में से कितने मामलेदार है, कितने कलेक्टर है, कोई है नहीं है। तो हमें उसके ऊपर फोकस देना है। हम लोग तो कॉलेज में जाएंगे, सब पढ़ाई करते, लेकिन हमें हमारे मुस्तकबिल के बारे में, हमारे कौम के बारे में भी सोचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और आपका मुस्तकबिल बुलंद करे। और हमारे आपके लिए अभी एग्जाम आया है, तो अच्छा से अच्छा पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स हासिल करें, 10th के लिए भी, 12th के लिए भी। और आपको के कहीं जाना नहीं है, 10th से 11th इधर लेंगे, 12th से इधर फर्स्ट ईयर में जाएंगे। तो आप ऐसा मत बोलो कि, मैं देख रहा था लड़कियां रो रही थी, माशाल्लाह सेंटिमेंटल हो गई थी जब वो उन्होंने अलविदा ही कही ना, तुम्हें काफ़ी लड़कियां देख रहा था मैं यहाँ से, माशाल्लाह रो रही थी, काफ़ी सेंटिमेंटल हो गई। लेकिन ऐसी सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, इंशाल्लाह आपको मैनेजमेंट है यहाँ पे, और हमसे जितनी भी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और हमें सोसाइटी के लिए हमसे जितना भी हो सके हम जरूर करेंगे। और इंशाल्लाह आपके लिए हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ओके, फॉर बोथ ऑफ यू, थैंक यू। दसवीं और बारहवीं के स्टूडेंट्स, दसवीं और बारहवीं के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से अभी फारिग होके आगे बढ़ने वाले हैं, मैं उनसे खुसूसी इस्तेदा करता हूँ कि अभी जब आपके एग्जाम हो जाएंगे दसवीं के भी और बारहवीं के भी, तो उसके बाद में आपको बहुत लंबी छुट्टियां हैं, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक छुट्टियां होती है। तो इसमें जो है वो आप अपना वक्त जाया नहीं करें, एग्जाम के खत्म होने तक, मुझे मालूम है कि दसवीं या बारहवीं का एग्जाम होता है तो उसके बाद ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है कि दूसरे दिन खूब सोएंगे, फिर उसके बाद में एक आध दिन के बाद में खूब मस्ती करेंगे। चलो ठीक है, कुछ दिन तक मस्ती भी कर लो, कुछ दिन तक कुछ सो भी लो, लेकिन उसके बाद में देखिए रमजान भी आ रहा है। रमजान में तो हम लोग जो है बहुत सारे लोग हम में से कुरान की तिलावत करते हैं, उसके बाद में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कुरान भी महीने भर में पढ़ लेते हैं। लेकिन कुरान के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान से हमारी निस्बत जो है ना सिर्फ तिलावत की नहीं हो, हम उसके मानी भी पढ़ लें। मानी ये हमको कुरान जो है वो सिर्फ जो है वो तिलावत करने के लिए, ओपनिंग सेरेमनी पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया है, हमको इसको समझने के लिए ये भेजा गया है हमारे पास। तो ये इसको जो है ना वो हम लोग समझने की कोशिश करें, अच्छी तफसीर लें कोई और वो तफसीर पढ़ें। अभी तफसीर जो है वो आपको क्या है 1-2 महीने में नहीं पढ़ के होने वाली है, इसके लिए 1-2 साल भी लगेंगे, यानी समझ के पढ़ने के लिए और उसके ऊपर अमल करने के लिए। जिंदगी लय में सुर में आ न सकी, साथ हमने बजाए क्या क्या कुछ, वाह वाह क्या बात, जिंदगी लय में सुर में आ न सकी, साथ हमने बजाए क्या क्या कुछ। और मेरे प्यारे बच्चों के लिए कथा है,
मानिंदे चमन को सार कर और जिंदगी की धूप से है क्यों मलाल, जिंदगी की धूप से है क्यों मलाल, अब की मानिंदी पे आ कर। अस्सलाम वालेकुम। सर्वप्रथम मी सर्वांची माफी मागतो, मला यायला थोडा उशीर झाला। मी 7:30 वाजता माझ्या गावातून जांभूळ निघालो होतो, थोडा मानगावला ट्रॅफिक मिळाला त्यामुळे उशीर झाला। आज आपण इथे अंजुमन हिमायत इस्लाम भाईमिया इसाने उर्दू हायस्कूल या शाळेतील 10वीच्या मुलांचा निरोप समारंभ आणि डॉक्टर ए ए देशमुख ज्युनियर कॉलेज मधील 12वीच्या मुलांचा निरोप समारंभासाठी आपण जमलो आहोत। प्रसंगी मोहम्मद अली इसाने सर आपल्या अंजुमन हिमायत इस्लाम ट्रस्टचे अध्यक्ष, प्रमुख पाहुणे रावेरकर सर, दिलावर सर, पार्कर सर, नदीम सर, कोपेरे सर, हतीफ सर आणि सर्व आदरणीय व्यासपीठ माझे विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, माझा मगाशी इथे ओळख करून दिली की मी माझ्या जांभूळगावचा सरपंच आहे, तालुका सरपंच संघटनेचा अध्यक्ष आहे आणि नंतर एक ओळख करून दिली होती की मी कॉन्ट्रॅक्टर आहे। ती कॉन्ट्रॅक्टर ही ओळख निर्माण करण्यासाठी त्या प्रक्रियेमध्ये ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे असे जुबेरजी देशमुख साहेब हे माझे गुरु आहेत। मी बऱ्याच दिवसापासून संधी बघत होतो की ज्यांनी माझ्या प्रवासामध्ये एवढा मोठा वाटा उचललाय त्यांच्या कुठेतरी इच्छेमध्ये आपला खालीचा वाटा व्हावा यासाठी मी संधी शोधत होतो। मी जुबेर देशमुख सरांचे खूप आभार मानतो की आपण मला खूप साथ दिली। या कार्यक्रमानिमित्ताने आता 10वीची मुलं आणि 12वीची मुलं थोड्या दिवसामध्ये परीक्षा समोर जाणार आहेत, त्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आहेत आणि त्या पुढील सुद्धा वाटचालीसाठी शैक्षणिक आणि आयुष्यातील वाटचालीसाठी माझ्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आहेत। मग अशी रावेरकर सर म्हणाले त्याप्रमाणे मुलींचा म्हणजे माझ्या भगिनींचा जवळपास 7% इथे दिसतायत। मी त्याच्या पुढे जाऊन म्हणेन स्टेज वरती आज 4 मित्र सांगत होते की आम्ही तेव्हा एकत्र शाळेमध्ये होतो, तर मुलांना माझं एक कळकळची विनंती असेल की जेव्हा पुढच्या 40 वर्षांचा जेव्हा असा कार्यक्रम असेल तर तेव्हा तुम्ही पण तिथे आपले पाहिजे, तर मग सर्व मुलीच असतील। मला खरं अभिमान आहे मुलींचा, त्यामुळे शिक्षण ही खूप म्हणजे आता म्हणतो ना आपण की ज्या अन्न वस्त्र आणि निवारा या तीन गुरु गरजा ज्या पूर्वी होत्या आता शिक्षण आणि ते खूप महत्वाचं झालेलं आहे आणि मुली पुढे जात आहेत त्याच्यामुळे आपलं जे डेव्हलपमेंट आहे ते आणखी फास्ट होत आहे। नक्कीच मी या संस्थेचा आपल्या सर्वांचा खूप खूप आभार मानेन की आपण या कार्यक्रमासाठी मला चीफ गेस्ट म्हणून मला संधी दिली, माझा खूप मोठा मान सन्मान केला। या रक्कम फार महत्वाची नसते पण आपल्यामध्ये ती मदत करण्याचा हेतू असणं ते फार महत्वाचं असतं। रक्कम शेवटी कसं असतं की जो माणूस आहे तो प्रत्येक आपल्या परीने ती रक्कम ठरवत असतो, त्याच्यामुळे रक्कम कमी जास्त असं काही नसतं। मला याच्यामध्ये संधी मिळाली म्हणून मी सर्व ट्रस्टचे आणि खास करून देशमुख साहेबांचे आभार मानतो। मला बोलण्याबद्दल धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही वबरकातुहू। अंजुमन हिमायत इस्लाम के अहुदेदार और तमाम अराकीन, आज के मेहमान में से खुसूसी मेहमान जनाब कृषि हिराजी किसान साहब, डॉक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक रावेरकर साहब, जुबेर देशमुख, दिलावर बर्डे साहब, नईम परकार, ये सब हमारे दूसरी क्लास में थे, नाजिम चौगले साहब, अमानुल्ला कोतेरे और रियाज खतीब साहब, जितने जो है मैं कॉन्टेक्ट किया मेरे सीनियर थे, एक साहब चाहे खतीब साहब हुए रियाज खतीब साहब हुए, नईम साहब हुए या अपने दिलावर बर्डे साहब हुए, अमानुल्ला कोतेरे साहब उनका भी नाम लेने को मैं भूल गया। अच्छा ये सब हमारे दोस्त थे। खास बताने की बात यह है कि यह आधार आपको मालूम है 1937 का है,
और ये लोग 75 में 76 में ये सब लोग चारों यहाँ से ग्रेजुएशन होके गए और उनकी बहन बिलावल भुट्टो साहब भी मेरे साथ थी, जूनियर थी उनकी, वो चार साल हम अंबेडकर कॉलेज में साथ में थे। मेरे को बहुत खुशी आज सब में, अगर खुशी वो तो सब बताए कि हमको खुशी हुई कि आज हमें 42 साल के बाद याद किए। मैंने उनके सब नाम ले लेके एड्रेस ढूंढ ढूंढ के सबका मोबाइल लेके उनको दावतनामा दिए, इसलिए कि उन मेरे को मालूम है कि वो लोग जो एजुकेटेड रहे थे उन्हें एजुकेशन की अहमियत मालूम होती है। यहाँ से वो भी ग्रेजुएशन उस वक्त होके गए लगभग उसको 40-42 साल में। अभी हमारे ऋषित पिसाल साहब ने हमें जैसा बताए इस दुनिया में इसमें बहुत से दानशूर लोग होते हैं, लेकिन उनको दिल देने का भी दिल लगता है ना। बगैर बोले उन्होंने जुबैर भाई देशमुख के पास हम गए नेहरू में, मैं उन्होंने आगे बात बोल के रखे थे उन्हें, मेरे को बोले अध्यक्ष साहब कहना, बोले अध्यक्ष साहब आले तो पिसाल साहबानी माशी बात के लिए बोली मैं माजी फैमिली घेन कुठेतरी बोले इधे हॉस्पिटलला निघालो तुम्हाला साहेब एक संध्याकाळपर्यंत पैसे दिए विद इन 2 आवर्स, दो घंटे के अंदर उन्होंने 5 लाख रुपये अपने खाते में डाले। मैं बम्बई में ही था और 5 लाख रुपये नहीं, यानी बोलने का मतलब दिन चाहिए उसको देने का, पैसे बहुत है उनके पास, पैसा है वो कॉन्ट्रेक्टर है अम्बरनाथ जैसे जगह पे काम कर रहे, लेकिन उसको भी दिल लगता है, उन्होंने बहुत बड़ा है। दीपक राजेकर साहब ने हमको मेरे को कितनी बार बोले कुछ भी तकलीफ होए तुम्हारे कॉलेज के लिए, वो 40 साल से उधर है टीचिंग का ही काम कर रहे है, सुंदर मोड़े में प्रिंसिपल है, उन्होंने बताया कुछ भी काय की भी कमी हुए कभी भी हमारे पास आते जाओ, हम उनको कभी भी मैं आधी रात को तुम्हारे इधर आऊंगा और हमेशा आते है। 2-4 बार वो आके गए और अभी उन्होंने उनके भाषण में भी बोले थे कि मैं हमेशा आते जाऊंगा और मेरी मैं खास करके उसी लिए आया। हमारे नाजिम भाई चोगले वो तो हमारा एक MIDC में उनके कारखाना है, फैक्ट्री है, टाइल्स वगैरह सबको मालूम है और उधर भी है वाटर का ये पानी की बोतल का धंधा बड़ा बिजनेस है उनका मसला में, वो भी आए, मैं खुश हुआ उनको देख के। उन्होंने आज में इसके पहले भी बशीर भाई हजवानी के इधर हम गए थे जब बोले थे कि कभी भी हमारे मसला जमात की तरफ से हमेशा वो मदद करते, वो सदर है मसला जमात के, कभी भी जरूरत पड़े तो मसला जमात सब में आगे तुम्हारे अंजुमन को मदद करने को तैयार रहेंगी, वो बोले उतना ही मेरे को शुक्रिया है, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद ये सब आज हमारे जो गेस्ट आए तो मैं बहुत खुश हूँ, उनको बताना चाहता हूँ मैं कि अभी जितने मेरे आगे जिन्होंने तकरीर की है कि हमारे बच्चे हमसे अलविदा हो रहे, अलविदा नहीं हो रहे, आधारे से बिल्कुल नहीं होंगे, वो स्कूल से हो रहे, 10वीं हुई तो 11वीं 12वीं अपने पास है और 12वीं को बच्चे को हमने ये साल इंतजाम करके रखा है, तुम्हारे बोलने पे ही सीनियर कॉलेज बनाया गया है, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ से बच्चे किधर नहीं जाएंगे, अपने ही आधारे में अपने ही इसमें पढ़ेंगे और FY में एडमिशन सब लेंगे। अभी 12वीं के जो साइंस के स्टूडेंट है वो 5% इधर उधर हो जाएंगे, कोई मेडिकल को जाएगा कोई इंजीनियरिंग को जाएगा, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ आप बिल्कुल अलविदा न हो रहे, आप आंसू पोंछे आंसू मत निकाले, तुम इधर सीनियर कॉलेज का हमने इंतजाम किया है, हमारे आधारे ने इंतजाम करके लिए रखा है, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और कहता हूँ कि आगे अपने इधर ही एडमिशन लेने का ही मेरी दरख्वास्त आपसे, बस इतना बोल के मैं अपनी जगह कार्यक्रम शेवट मराठी बोलना है कार्यक्रम शेवट हा माझ्याकडे गोड जो शेवट असतो तो माझ्याकडे देण्यात आलेला आहे। आभार प्रदर्शक, आता आपण या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलात, सगळ्या विचार सगळ्यांचे विचार ऐकलात, मागील 2-2.5 तासापासून सर्व विद्यार्थी हा कार्यक्रम ऐकत आहेत, या कार्यक्रमासाठी आलेल्या जे चीफ गेस्ट माननीय ऋषित पिसाल अंबरनाथमधून सुमारे 6 तास प्रवास करून या कार्यक्रमाला इथं उपस्थित राहिले, त्यांनी आपल्या
संस्थेला सीनियर कॉलेज साठी 5 लाखाची आर्थिक मदत सुद्धा केलेली आहे। ते आम्ही जेव्हा जुबेर भाई आमचे भाऊ मित्र यांच्या थ्रू आम्ही त्यांच्याजवळ संपर्क केला, त्यांनी कुठलेही विचार न करता, संस्था महाड तालुक्यातली आहे, महाड तालुक्यामध्ये त्यांचा काही संबंध नसताना फार मोठी आर्थिक मदत केली आणि आज कार्यक्रमाला स्वतःहून उपस्थित राहिले। आमच्या आमंत्रणाला त्यांनी मान्य देऊन उपस्थित राहिले। मी त्यांचे अंजुमनच्या वतीने आणि डॉक्टर ए देशमुख ज्युनियर कॉलेज व भाई मिया ईसाने हायस्कूल यांच्यातर्फे खूप खूप आभार व्यक्त करतो। तसेच या हॉस्टेलचे माजी विद्यार्थी, म्हणजे ही पूर्वी हॉस्टेल असल्याने या हॉस्टेलचे माजी विद्यार्थी अमनुल्ला पोपेरे साहेब, दिलावर बर्डे साहेब, रियाज खतीब साहेब, नईम परकार साहेब, हे सगळे वेळेत वेळ देऊन उपस्थित राहिले। मी त्यांचे सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। आणि एक इथे छोटस एक अनाउन्समेंट करतो, नईम परकार ज्यांनी आपल्या संस्थेला एक बऱ्यापैकी आर्थिक मदत केलेली आहे, मी त्यांचे सुद्धा मदत केल्याबद्दल आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल मी त्यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो। तुम्ही सर्वांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून शांततेपणे, विशेष करून मुलांनी विद्यार्थ्यांनी शांततेपणे ऐकून घेतलं, त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। आणि कुठेही दिस इज नॉट फेअरवेल फंक्शन बट दिस इज ही शुभेच्छा देण्याचा कार्यक्रम आहे, कोणी कुठेही जात नाहीये। थोडी सायन्सची पोरं जाण्याची शक्यता असते, त्याच्या व्यतिरिक्त कोणी जाणार नाहीये। फक्त तुम्हाला माझ्या आणि आमच्या सगळ्यांच्या याच्याने हा शुभेच्छेचा कार्यक्रम होता, त्या शुभेच्छा तुम्हाला देतो आणि आपण सगळे उपस्थित राहिल्याबद्दल सगळ्यांचे परत एकदा आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल धायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप देखेंगे अभी प्रोग्राम खत्म हो चुका है और अभी आए हुए मेहमान के लिए ताम का इंतज़ाम किया गया है, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह का खाना बनाया गया है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे खाना लग गया है, ये देखिए। अभी स्टार्टर में यहाँ पे तंदूरी है और ये अचार है, पापड़ है, बैंगन है। हाँ, यस, ये क्या है? भजी है क्या? हाँ, बैगन है, यस। हमारे अमनुल्ला पोपेरे साहब जी, रोटी भी है, चावल की रोटी है, माशाल्लाह चावल की रोटी है।
तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है।